पैकेट खोलकर क्यों नहीं दिखाएगा तू? अंदर शर्ट की जगह पोछा निकला तो? सर अब इससे शर्ट हो या पोछा, इसे मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी अगर आपको ओपन ऑर्डर चाहिए था तो आप 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते ना। 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देते, पैसे तो पेड़ पे उगते ना, हाथ बड़ा तोड़ लो, कमर टेढ़ी हो जाती है पैसा कमाने में। पहले सिग्नल पे भीख मांगते थे क्या? ओए सर, मेरे कहने का मतलब है कि आजकल 20 रुपए में आता ही क्या है, समझिए ना एक सिगरेट एक्स्ट्रा पी ली। ओ भैया ज्ञानचंद, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, इस बात को स्पष्ट रूप से समझो कि मैं बिना सामान देखे डिलीवरी नहीं लूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं ऑर्डर वापस ले जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना सर, ऐसे बड़े बड़े ऑफर्स बार बार नहीं आते। हाँ ठीक है, मुझे मत सिखा, सब पता है मुझे, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी थोड़ी ना कर रहा हूँ। ला ऑर्डर दे, बड़ा आया ज्ञान बांटने। अरमानी की शर्ट, गुची का कच्छा, आज ही ऑर्डर किया था। पहन लिया गुची का कच्छा और अरमानी, अब फिर गया ना अरमानों पे पानी। अभी भिखारी बन के मत बैठे रहो, उनको कॉल लगाओ अभी के अभी। साले फोन नहीं उठा रहे हैं। और मंगाओ फालतू की वेबसाइट से सामान, मेरी तरह नहीं मंगा सकते थे फ्लिपकार्ट से, बुक तो आप। लग गया। हेलो, हाँ मैडम, मैं सचिन बोल रहा हूँ, मेरा कस्टमर आईडी है 7710। हाँ जी सर, मैं देख पा रही हूँ कि आपका ऑर्डर आज ही डिलीवर्ड हुआ है। आपकी साइट से मैंने 2 फॉर्मल शर्ट और 1 निक्कर मंगवाई थी। सर माफी चाहूंगी, मुझे एक बात बताएंगे सर, फॉर्मल शर्ट के साथ निक्कर कौन पहनता है? अरे मैं पहनता हूँ, तुम इससे क्या, अपना काम करो तुम। सर वही तो कर रही हूँ। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि लूट लो सेल अभी भी चालू है, जिसमें आपको जीन्स पर पैंट पे सुपर डिस्काउंट मिलेगा। अरे ओ डिस्काउंट की बच्ची, एक बार भी तूने और डिस्काउंट का नाम लिया ना तो फोन में घुस के घूसा मारूंगा। लूट लो सेल के नाम पे लूट लिया तुमने मुझे, ये फटी हुई शर्ट और ये बच्ची की निक्कर तुमने मुझे डिलीवर की है। मेरी कंप्लेंट लिखो और इसे वापस करो अभी। सर आपका जो ऑर्डर है ना, वो नो रिटर्न और नो एक्सचेंज वाला है। सर आपने ऑर्डर करने से पहले पढ़ा नहीं था क्या? सर क्या आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे? जिला कोर्ट में सरकारी वकील हूँ, ऐसा केस डालूंगा सारी धोखाधड़ी निकाल दूंगा तुम्हारी। सर आपको जो भी निकालना है ना, आप उस सेलर का निकालिए, कंपनी इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उस सेलर का नंबर और पता दो, अभी देखता हूँ साला कैसे धंधा करता है वो। हाँ जी सर लिखिए, लड्डन भाई शर्ट वाले, शैतान चौक, कसाईवाड़ा 3-5। और सर एक मदद करेंगे, अगर ये सेलर आपको मिल जाए ना तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि हमारे 3-4 हज़ार कस्टमर उससे काफी परेशान है। हेलो, लंदन बोल रही हूँ बादशाह, तूने सिंत्रा पे मेरी कंप्लेंट मारी है? अरे क्या बादशाह, मुझे तो फकीर बना दिया तुमने, ये फटी हुई कमीज पहन के बैठा हूँ। कमीज की बात छोड़ बादशाह, शुक्र मना तू सही सलामत बैठा है, वरना जिन जिन ने मेरे माल को एक सितारा दिया है ना, वो सितारा बन के ही आसमान में चमक रहा है। ये तो चीटिंग है लंदन भाई, मैं भी वकील हूँ। अरे बादशाह तू वकील हो या शकील, अगर तूने मेरे माल को 5 सितारे नहीं दिए तो बादशाह तेरा हाल भी तेरी कमीज जैसा ही होगा। हेलो हेलो सुनो लड्डन भाई, उसे पता नहीं है किससे पंगा लिया है उसने, आज बताता हूँ उसे। अरे सचिन थोड़ा कंट्रोल करो, तुम्हारा ना गुस्सा बहुत खराब है, याद है ना पिछली बार ऑटो वाले के साथ क्या हुआ था? लड्डन से लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ, सामने जा रहा हूँ टेलर के पास इसे सिलवाने। पिछली बार ऑटो वाले ने तो सिर फोड़ा था, कसाईवाड़े जाके अपना कीमा थोड़ी ना बन पाना है। कंचन जी का ऑर्डर था, पहले पैकेट खोल के दिखा। सॉरी सर नहीं दिखा सकता, कंपनी का रूल है। तेरे कंपनी के रूल की ऐसी तैसी, रुक भाग तक।